प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में सत सत नमन। त्रिपदी वंदना, वंदे अरहं। वंदे गुरु वंदे सच्चम सभी साधक साधिकाओं को जय जी ने सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम आराम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज महाप्रयाण दिवस हमारे लिए बहुत ही खास दिन। प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए जितने भी साधक साधिकाएं हैं उनके लिए महाप्रज्ञ जी का जन्म दिवस और महाप्रयाण दिवस दोनों ही दिवस खास होते हैं, और हम इन दोनों दिवसों को विशेष रूप से मनाते भी हैं। तो आज इस दिवस पर हम महाप्रज्ञ जी के बारे में जानेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उनके बताए हुए अवदानों के बारे में बात करते हुए, वे अवदान आज विश्व के लिए कितने आवश्यक है, पूरे विश्व मानव समाज के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारी आज की मुख्य अतिथि जयंती सिंह जी भी जुड़ चुकी है, अलका जी सारला भी जुड़ चुकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ आप दोनों का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब मैं मंच समर्पित करना चाहूंगा अलका जी को। अलका जी, यू मे स्टार्ट नाउ। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। हाथ ऊपर, एकदम रिलैक्स, नींद उड़ा दीजिए सभी और तैयार हो जाइए एक महान आत्मा के बारे में जानने के लिए, जिससे हम रोज जुड़ रहे हैं। उसी का नाम है महाप्रज्ञ। एमपी के मतलब महाप्रज्ञ। तो इतनी बड़ी संस्था से, इतने सालों से आप जुड़े हुए, हमारे फाउंडर मेंबर भले ही आनंद भाई जी हो, परंतु उसके पीछे का आशीर्वाद, बैकग्राउंड सब कुछ है वो महाप्रज्ञ जी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमें करनी है। आज आप लोगों को भी सबको बोलना है, तो शुरुआत मैं करती हूँ एक दो लाइन के साथ में। महाप्रज्ञ की वाणी से है आलोकित संसार, लोक चेतना में भरते है मैत्री के संस्कार। गांव नगरों में गूंजते है, गांव नगरों में गूंजते है महाप्रज्ञ की वाणी। स्वागत भाव भरा अभिनंदन। तो सबका स्वागत करती हूँ मैं इस महाप्रज्ञ जी के पुण्यतिथि के विशेष रूप से आयोजित किए हुए इस कार्यक्रम। महाप्रज्ञ के अवदानों के बारे में बात करने जाए तो 1 घंटा तो बिल्कुल पूरा होना होगा नहीं, क्योंकि अवदानों के नाम लेते लेते ही मुझे लगता है क्लास पूरी हो जाएगी। कितना कुछ काम किया है उन्होंने, कितनी कुछ बातें उन्होंने हमारे सामने रखी है, इसलिए ये काम केवल सागर में से गागर लाना नहीं है, तो सागर बिंदु में से सिंधु का काम है। एक बिंदु ही हम बता पाएंगे, फिर भी अपने भाव, अपने विचार, अपने आचार सबको
प्रभावित करके सबकी दृष्टि बदल दी, सबके जीवन बदल दिया। किस्मत की बात होती है ना, तो हम अवदान जानने से पहले ये बात जानेंगे। देखो एक शिशु, वो शिशु जिसने पहला श्वास लिया वो कहाँ लिया? ना कोई महल था, ना कोई प्रसाद था, एक रेतीली भूमि थी, बस उन्मुक्त आकाश था। ऐसे सिंपल जगह पे जब व्यक्ति का जन्म हुआ और जिसके 2.5 मास की अवस्था में पिता का साया खो गया, उस जमाने की बात, उस गांव की बात, रेतीले गांव की बात। वो शिशु सोचो कि जिस स्कूल गांव में, स्कूल का स्कूल भी नहीं है, जिस गांव में आप सोचो कि स्कूल भी नहीं है, ऐसा छोटा गांव जहाँ पीने का मीठा पानी भी उपलब्ध नहीं था, मीठा पानी भी उपलब्ध नहीं था, न पढ़ने के विद्यालय, ना सड़कें, ना यातायात का साधन। देखिए ऐसा व्यक्ति, अविकसित गांव, अविकसित, ऐसे में ये बच्चा पैदा हुआ। और देखिए मानवीय चेतना की असीम क्षमता का एक जीवंत दस्तावेज बना के चला गया। कितनी बड़ी बात है, उनके व्यक्तित्व के अनेक रूप है, अनेक रूप है। वो योगी थे, वैसे ध्यानी थे, एक रूप मुनि का था, एक मनस्वी था, एक विनम्र अनुशासित समर्पित शिष्य थे, एक महान गुरु के रूप में अनुशासता भी था, एक मौलिक रूप में साहित्य दृष्टा थे, तो एक रूप में वो युगीन समस्याओं का समाधान भी देते। तो कितने आयाम, कैसे है ये महाप्रज्ञ, उनको जानना है। और उनको जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी है वो है, आपको पता है कि हम हमेशा मैं बताती हूँ कि हमारे जो सूरत है वो क्या है, हीरे की नगरी है, एक एक डायमंड हमारे यहाँ है। तो ऐसे डायमंड में से एक डायमंड में आज आपके सामने मिला जो आचार्य महाप्रज्ञ जी की अवदानों का परिचय आपको करवा दे। वैसे आप कुछ अवदान जानते हो पर सभी अवदान तो नहीं जानते, काफी अवदान नहीं जानते। तो देखेंगे हम कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया है, कितना कुछ किया है उन्होंने, कितना कुछ हमारे लिए सामने लाया है, और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमेशा उनका हाथ आशीर्वाद में रहता है, तो हम सबको आचार्य महाप्रज्ञ का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में आज हमसे संवाद करने के लिए, हमें कुछ बातें शेयर करने के लिए, हमारे सूरत सूरत की पूर्व महिला मंडल की तो अध्यक्षा थी ही, इसके साथ साथ में ये हमारी जो 13 अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल थी उनकी भी मेंबर थी। विशेषता बहुत शांत और सरल स्वभाव, ज्ञान पिपासु है, इसीलिए उन्होंने तत्व ज्ञान के 6 विभाग के एग्जाम दिए, तत्व ज्ञान में भी एक्सपर्ट है। जैन विद्या के भी इन्होंने 9 एग्जाम दिए हैं, और वैसे बेसिकली वो बीकॉम है। हमने इनके साथ काम किया है, इनका कालावधि शायद मेरी याद से कोरोना का कालावधि था, तो जयंती जी ने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम कराए थे और हमने उनके साथ बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे हमारी जयंती जी आज हमारे साथ उपलब्ध है, एक बार सभी हाथ ऊपर करेंगे और करेंगे वेलकम वेलकम वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम एमपी के फिटनेस केंद्र और जी कल्याणम योग केंद्र, आपका सहर्ष स्वागत करती है। तो माइक मैं हैंड ओवर कर रही हूँ जयंती जी को। तो आइए जयंती जी, हमें हमारे इस क्लास में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो अजैन भी है, और जो लोग महाप्रज्ञ की का नाम हमारे प्रेक्षा फाउंडेशन के द्वारा ही जान मतलब महाप्रज्ञ के द्वारा जानते हैं, उनकी किताबें हम कभी कभी पढ़ते हैं, पूरी किताब के सीरियल चलती है, महाप्रज्ञ की प्रेक्षा ध्यान की सीरियल चलती है, इस रूप में तो जानते ही है, जीवन विज्ञान के रूप में भी जानते हैं, पर कुछ उनके कुछ अछूते फैली है, अछूते जो पहलू है, और जिनके बहुत सारे ऐसे अवदान है कि जो लोगों को आज पता भी नहीं, शायद वो आपके द्वारा सबको परिचित हो जाएंगे।
जी सभी को जय जिनेंद्र, अलका जी को जय जिनेंद्र, एमपी के सभी साधकों को सादर जय जिनेंद्र। आज हम 13 पंथ के 10वें जो आचार्य थे उनके अवदानों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जो हमारे वर्तमान आचार्य है एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और उसके बाद में वंदन करती हूँ आचार्य परंपरा में जिनका अविस्मरणीय नाम था और जो उनका उच्च कोटि में जो दार्शनिकों में जिनका नाम सुनाम था, ऐसे आदरणीय दशम जिन उनके वो दशमाधिशास्ता थे उनके 15वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको प्रणाम करती हूँ, श्रद्धा सिक्त प्रणाम करती हूँ। आज हम उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि स्वरूप आज हम उनके अवदानों के बारे में बात करने के लिए मुझे कहा गया है, लेकिन मुझे लग रहा है क्या मैं बात कर पाऊंगी। जैसा कि अलका जी ने कहा, उनके अवदान ही इतने हैं कि उनके एक एक नाम लेते हुए ही पूरा दिन बीत सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम सागर की गहराई को माप सकेंगे, सूर्य के तेज का बखान कर सकेंगे, क्या हम उस हिमालय जैसे महान पुरुष की महानता की ऊंचाई को माप सकेंगे? शायद पूरा तो नहीं, पर उनके अवदानों की कुछ चर्चा आज हम यहाँ पर जरूर करेंगे। 13 पंथ के दशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ उच्च कोटि के लेखक थे, वे उच्च कोटि के विचारक थे और चिंतक थे, उनकी विद्वता अमाप्य थी, वे दार्शनिक थे, पर उससे वे विद्वान थे, दार्शनिक थे, लेकिन उससे पहले वो एक महान संत थे। उनके आसपास ग्रंथों की भीड़ रहती थी, लेकिन तो भी वो निर्ग्रंथ थे। उनके आसपास में कोलाहल रहता था, लेकिन वो अपने अंदर में शांत थे। कहते हैं कि उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी, लेकिन जब उनकी लेखनी चलती थी तो वे कहते हैं कि मुझे आसपास में कोई भी कोलाहल हो रहा है, बातें हो रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में विचार आते थे और वो लिखना शुरू कर देते थे, और जहां कहीं उसमें विघ्न आता वह अपनी लेखनी को विराम दे देते थे। मतलब भीड़ में रहते हुए भी वो अकेले थे, वो चलते हुए भी स्थिर थे और बोलते हुए भी मौन थे। दृश्य जगत में तो उनके कई अवदान हैं, आपने भी कुछ सुना होगा। जैसा कि मुझे मालूम चला कि इसमें जैन भी है, अजैन भी है, तो आपको पता होगा कि जैनों के जैसे हिंदुओं में और बाइबल कुरान इनके है, और हिंदुओं में वेद हैं, वैसे ही जैनों के आगम होते हैं। तो जो 32 आगम हैं उनके संपादन का दुरूह कार्य उन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने किया था। तो ऐसे कई और भी अवदान है जो दृश्य जगत में है, वो हम सब आप सब जानेंगे और जानते हैं, लेकिन कुछ अदृश्य जगत में जो उनके अवदान थे वो भी कुछ मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका अंतकरण इतना पवित्र था, बालक के समान वो एकदम सरल और विशुद्ध थे, उनका जीवन खुली पुस्तक के समान था। आज आज के जीवन में हम सब मुखोटे लगाकर रहते हैं, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, हम कहते कुछ और हैं, किसी के सामने हम मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर में हमारे कुछ और ही होता है। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ का जीवन एक खुली पुस्तक के समान था। वे अत्यंत सहिष्णु, करुणाशील, पाप भीरु और सत्यनिष्ठ थे। वे हमेशा अंतश्चेतना, वे बाहर की चेतना नहीं, अंतश्चेतना की सन्निधि में रहते थे। बाह्य जगत में जो घटनाएं घटित होती है उनको वो सिर्फ दृष्टा मात्र बनकर देखते थे। जो अब हम अगर कहते हैं कि उनके अवदान कैसे विश्व के लिए वरदान है, तो आज विश्व में अगर ये समता भाव आ जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव अगर आ जाए कि बाहर की घटनाएं चल रही है लेकिन हम अपने भीतर ही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि शरीर के बाहरी जो जरूरतें हैं वो उनका समाधान हमें बाहर से मिल सकता है, लेकिन जो हमारी अंदर की जो जरूरतें हैं वो हमें अपने अंदर ही मिलेगी। तो वो बाहर रहते हुए भी अंदर थे। वो एक ऐसे योगी थे जिन्होंने अपने योग साधना में रहकर बड़े बड़े अवदान विश्व को दिए हैं, और अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमें किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर दृश्य जगत की बात करें तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ संस्कृत के प्रखर पंडित थे। प्रारंभ से ही संस्कृत उनकी स्वयं भाषा बन गई थी। उन्होंने न सिर्फ संस्कृत भाषा में विशाल भंडार का पारायण किया, उन्होंने कई कई विशाल ग्रंथों का अध्ययन किया था। न सिर्फ उन्होंने अध्ययन किया बल्कि उन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं की और संस्कृत का भंडार भरा। न सिर्फ संस्कृत का बल्कि प्राकृत और हिंदी में भी उनकी 100 से अधिक रचनाएं हैं।
और ये रचनाएं खाली पिष्ट पेशन नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कई जिन्होंने पुस्तकें पढ़ ली, यहाँ वहां के उठा के यहाँ पे रख दिया, वहां का उठा के यहाँ पे रख दिया, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने पिष्ट पेशन नहीं किया। उनका चिंतन मौलिक चिंतन था। मुझे सबसे बड़ी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साहित्य की सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि अगर हम उनकी कोई भी पुस्तक उठाकर पढ़ लें तो हर एक पुस्तक में हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, और हमें लगता है कि यह पुस्तक शायद हमारे लिए ही लिखी गई है। हमारे मन में जो विचार, जो उथल पुथल, जो समस्याएं चलती रहती है, हर एक पुस्तक में उसका समाधान मिल जाता है। ऐसी एक प्रखर लेखनी थी आचार्य श्री महाप्रज्ञ की। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनका महत्वपूर्ण सबसे अवधान था आगम संपादन। यह सिर्फ उन्होंने आगमों का संपादन ही नहीं किया, अपने गुरु के वाचना प्रमुखत्व में उन्होंने 32 आगमों का हिंदी अनुवाद किया, संस्कृत छाया की, मूल टिप्पण, और ये सब प्रकाश में आ चुके हैं। और उनके इस अभूतपूर्व कार्य के लिए सिर्फ तेरापन समाज ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज उनका ऋणी रहेगा। अंतश्च और उनका दूसरा महान अवदान यह है कि वे एक महान योगी थे। अंतर चेतना के गहन सागर में डुबकी लगाकर, ध्यान की अतल गहराइयों में जाकर अपने उन्होंने योग साधना के अनेक मोती प्राप्त किए। उनकी कुछ पुस्तकों के नाम मैं यहाँ बताती हूँ, अगर आप कभी पढ़ सके, मौका मिले तो उन्हें अवश्य पढ़िएगा। मन के जीते जीत है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण है, महावीर की साधना का रहस्य है, जैन योग, मैं, मेरा मन, मेरी शांति, इन सब रचनाओं में शाश्वत सत्य भरा पड़ा है। उन्होंने ध्यान से संबंधित अनेक आयामों को उद्घाटित किया था। विलुप्त जैन ध्यान पद्धति को उन्होंने पुनर्जीवित किया। जैन ध्यान पद्धति हम ये नहीं कहते कि नई है, बहुत पुरानी है। आगमों में यत्र तत्र ध्यान से जुड़े हुए कई सूत्र बिखरे पड़े थे, लेकिन जब आचार्य श्री तुलसी, उनके गुरुवर ने उनको इंगित किया कि हमारे इस परंपरा में ध्यान की कोई व्यवस्थित पद्धति नहीं है, तो उन्होंने गुरु के इंगित को समझा और आगमों का गहन अध्ययन करके ध्यान के उन छुपे हुए रहस्यों को निकाला। और ध्यान आज विश्व के लिए कितना बड़ा वरदान है, ये तो आप सब महसूस करते ही होंगे, क्योंकि आप नित्य इस अवदान से, इस फिटनेस सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो आप ये महसूस करते ही होंगे कि ध्यान आज के विश्व के लिए और आज के समस्याओं के लिए कितना जरूरी है। तो प्रेक्षा ध्यान जैसा अवदान देके उन्होंने विश्व को मानो एक वरदान सा ही दे दिया। और अब मैं ये कहना चाहूंगी कि वो एक बहुत सौभाग्यशाली थे आचार्य श्री महाप्रज्ञ, क्योंकि उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिला था। उनके लिए उन्होंने अपने आचार्य श्री तुलसी उनके गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य के लिए कहा कि तुम मेरी दूसरी देह हो, तुम तो अतीन्द्र ज्ञान के धनी हो। किसी ने उनके लिए कहा कि अगर तुम चौथे आर्य में होते तो शायद तुम्हें केवल ज्ञान ही हो जाता। और ये अनमोल शब्द गुरु तुलसी ने कहा, अपने हृदय के तल से कहा, जिन्हें की वचन की सिद्धि प्राप्त थी। भारत की इस पुण्य धरा पर संत अनेक हुए हैं, पर महाप्रज्ञ जैसे विरल संत तो बस केवल एक हुए हैं। धन्य भाग है तेरा पंथ का, ऐसा पट्टधर था पाया, गुरु तुलसी के कीर्तिमानों को जिसने आगे शीर्ष चढ़ाया। वे खुले आकाश के नीचे जन्मे थे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, सच में इस बालक के ज्ञानार्जन की भी सीमा कहाँ रही थी। वे जन्मजात प्रज्ञा के धारक थे, कोई विद्या उनसे नहीं रही अछूती, बिन विद्यालय के शिक्षा के ही गूंजी चहु दिस उनकी तूती। विपुल साहित्य के वे सृजनकार थे, विश्वविद्यालय थे चलते फिरते, किसी कोण से भी देखो व्यक्तित्व विशिष्ट रूप से ही उभरे। उनका कीर्तिमान पूर्व आचार्यों का सानिध्य रहा, गुरु तुलसी ने भी उनके भाग्य को सराहा, सिर पर सदा हाथ रखा। वे आध्यात्म शक्ति के महापुंज थे, वे करुणा के सागर, स्थित आत्मा योगी राज थे, छलक रहा था ज्ञान का गागर। उनकी अपूर्व थी विवेचन शैली, उनकी नवीन स्फूर्णा चिंतन में, अतीन्द्र ज्ञान के धनी थे वे, बीता जीवन संग सिंचन में। वे उत्कृष्ट चिंतक और विचारक, उच्च कोटि के ध्यान तपस्वी, आध्यात्म जगत के महासूर्य, परम दार्शनिक, महामनस्वी।
अहिंसा के अथक पुजारी, भय मुक्त था मानस तेरा, दीर्घ अहिंसा यात्रा कर कितनों को दिया नया सवेरा। आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप सब जानते हैं कि जैन साधु पद यात्रा करते हैं, तो उन्होंने अपनी यात्रा को अहिंसा यात्रा नाम दिया था। उस अहिंसा यात्रा में वे जब गांव गांव जगह जगह जाते थे तो लोगों को अहिंसा का महत्व समझाते थे। तो उनकी इस यात्रा अहिंसा यात्रा ने लाखों लाखों लोगों को अहिंसक बनने के लिए प्रेरित किया था। अनेकांतवाद के सफल प्रयोक्ता, अनेकांतवाद, अगर अनेकांतवाद आज के मानव जीवन में आ जाए तो शायद सारी ही समस्याओं से समाधान मिल जाए। तो वे अनेकांतवाद के भी सफल प्रयोक्ता थे, मानवता के थे मसीहा, तनाव मुक्ति एवं शांति प्रदाता, प्रेक्षा ध्यान का आयाम दिया, सुकृत संपदा से समृद्ध और सत्य संपन्न, हर माने में न जाने कितना समय लगेगा इतिहास में अब दूजा महाप्रज्ञ बनाने में, न जाने कितना समय लगेगा इतिहास में अब दूजा महाप्रज्ञ बनाने में। तो हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, आपकी इस 15वीं पुण्यतिथि पर आज हम सब आपको श्रद्धा सिक्त श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आपके अवदानों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो शायद हमारा जीवन जीवन ही क्या, हमारे जन्म जन्म धन्य हो जाएंगे और हम शायद अपने चिर परिचित मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम सबको दी, तो एक बार इनके लिए बोलिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अभी हम जानेंगे और उनके बारे में, तो आप सब लोगों को बात करनी है। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आचार्य महाप्रज्ञ सबसे महत्वपूर्ण जो काम था उनका, वो था सबसे महत्वपूर्ण काम, जो जानते वो बताइए कि कौन सा महत्वपूर्ण काम हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत काम किए। चलो मधु जी ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया, मधु को मौका दीजिए, पहले मधु जी बताएगी कि सबसे बड़ा काम क्या लगता है आप। प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताना, नहीं प्रेक्षा मेरी दृष्टि में जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान नहीं, जीवन विज्ञान से भी बड़ा और बड़ा, मतलब जो, अच्छा मेरे, सुनिए एक मिनट मेरे लिए सुन लीजिए। कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिन्हें बुलाना बहुत मुश्किल है। मेरे, मैं नॉन जैन हूँ और मेरे मानस पटल में हमेशा वो विद्यमान रहते हैं। मैंने यही समझा कि वो प्रेक्षा ध्यान के बहुत बड़े, उन्होंने ही शुरू की थी ये विधा, तो बाकी बहुत कुछ है, पर मैंने उनके खुद के दर्शन भी किए हुए हैं और मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हूँ। तो उनके अवदानों का तो बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती। ओके गुड गुड, आज जानोगे आप, बताएं आप जानोगे कि प्रेक्षा ध्यान तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जयंती जी, हमारे मधु जी है वो बहुत, मतलब एज से तो बड़े हैं परंतु बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद कभी कभी ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है, तो मशीन लगा के भी क्लास करते हैं, और इनका नॉलेज इतना है कि वो महाप्रज्ञ जी की सारी अच्छी किताबें पढ़ी हुई है, और क्वेश्चंस के जब कोई समस्या निर्माण होती है या कोई बीमारी के बारे में बताते हैं तो मधु जी तुरंत उसका जवाब दे देते हैं, और इतने अच्छी तरह जुड़े कि हमारे इसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो परमानेंट मेंबर है और बहुत, मतलब नॉलेजेबल है। तो एक दिन ऐसा हुआ मधु जी के, हमारा एक वक्ता था उसका माइक ही नहीं चालू हो रहा है, माइक ही नहीं चालू हो, तो हमारे सारे वक्ता बन गए, और जो विषय था नेचुरोपैथी तो उन्होंने उन पर अपने अपने विचार इतने रखे कि क्लास कैसे हुई और इतना अच्छा नॉलेज मिला था। मैं भी तो ठीक, एक हमारे मधु जी है और मधु जी का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो और बताइए अपने और कोई दूसरे व्यक्ति जो जानते हो उनके बारे में, सबसे बड़ा काम क्या हो सकता है एक बताइए। उसको कालजयी कार्य भी कहते हैं, लिखा हुआ है उनका कालजयी कार्य, क्योंकि वो क्या है, मतलब प्रेक्षा ध्यान इम्पोर्टेंट है ही, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, और प्रेक्षा ध्यान ने तो अनेक समस्याओं का समाधान दिया है, और ऐसे अनेक लोग हैं कि जो प्रेक्षा ध्यान के कारण जुड़े हैं, परंतु एक अध्यात्म जगत में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। और कोई बता सकता है तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। अशोक जी है, और काफी लक्ष्मी जी है, हमारे सुशील भैया है, तेरापंथी भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कोमल है,
तो सुशील जी ने अपना वीडियो ऑन किया। सुशील जी कुछ कहना है आपको, अनम्यूट कीजिए। यस, कौन बता रहा है? सुशील जी, यस एक तो आगम संपादन हो सकता है। यस परफेक्ट, वाह वाह, चलिए एक बार सुशील जी के लिए वेरी कौन गुड मैडम? वेरी गुड। यस, सबसे कालजयी कार्यक्रम है आगम संपादन। आचार्य तुलसी के वाचन प्रमुखता में जैन आगमों का संपादन कर महाप्रज्ञ ने जैन शासन की इतनी अतुलनीय सेवा की है, श्रुत की विलक्षण समुपासना की है, या अरे रंग भाष्य बहुत, मतलब ये पुस्तक, अभी मैं गई थी नगर, तो वहां के आचार्य ने मुझे, वहां के कई संतों ने मुझे पूछा कि ये आचारंग भाष्य की किताब हमको मिल जाएगी क्या, मतलब हर व्यक्ति उसको पढ़ना चाहता है, इसको लिखकर भाष्यकारों को जो विच्छिन्न परंपरा है अविच्छिन्न बना दिया जैन शासन के इतिहास में, आचारंग पर भाष्य लिखने का ये प्रथम व्यक्ति थे। तो वैसे तो इनका साहित्य बहुत अजस्त्र प्रवाहित हो चुका है, 300 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, 300 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और आपको पता है मैंने एक किताब लिखी है, और जिस किताब को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो उस किताब में मैंने महाप्रज्ञ जी की 288 किताब, 281 किताबों के नाम लिखकर विश्व को एक संदेश दिया है, विश्व को एक संदेश दिया है। उसमें से चार लाइनें मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगी बाद में, थोड़ा आपको बहुत मजा आएगा कि ये कितना साहित्य का कितना बड़ा काम है। उनके साहित्य में जैन, जैनेतर सब कुछ था। बांग्ला उपन्यासकार विमल मित्र ने आचार्य के साहित्य में कहा था, यदि 15 वर्ष पहले यह साहित्य मुझे मिलता तो मेरे उपन्यास की दिशा ही कुछ अलग हो जाए। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और इनकी साधना पद्धति में उन्होंने विस्मृत जैन साधना पद्धति का अनुसाधन किया है। ये दार्शनिक मौलिक साहित्यकार के रूप में पहचानते हैं। जैन न्याय का उनको राधा कृष्ण कहते हैं, जैन न्याय का राधा कृष्ण, आचार्य सिद्धसेन और विवेकानंद, ऐसी संज्ञा उनको उनके साहित्य के लिए दी गई है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अणुव्रत की दार्शनिक पृष्ठभूमि लिखी है, और अपने कालावधि में, शासन काल में अणुव्रत आंदोलन को गुरुदेव तुलसी के साथ बहुत व्यापक और प्रभावी बनने का प्रयत्न किया। उनके अंतिम दिनों में भी अणुव्रत कार्यकर्ता के इस विषय पर बहुत मार्गदर्शन करते रहते थे। तो ऐसे ये सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए बहुत जाने माने जाते। मेरी किताब में से एक पैराग्राफ पढ़ूंगी कि इतने नाम से हम कैसे जोड़ सकते हैं। आप तो खुद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी एक लेटर दिया है कि ऐसे पुस्तकों के नाम होते हैं, मतलब नाम भी पढ़ोगे, मुझे लगता है ये नाम भी आपको पढ़ने को मिलेंगे तो आश्चर्य लगेगा। मैं ये बुक आप लोगों को ऑनलाइन आनंद भाई जी के थ्रू सबको सबमिट करूंगी, जरूर इस किताब को देखना है। तो और अभी जो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, 2-2 मिनट, 1-2 मिनट में जितना आप बता सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले। तो यस, चंदू दुग्गड़ का हैंड राइज है, चंदू दुग्गड़ बोलेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद भी जिनको बोलना है प्लीज अपने हैंड ओवर करना, उसके बाद अशोक जी तैयार रहे, ये 2 होने के बाद और ले लेते। चंदू जी, जय जिनेंद्र, सभी को आवाज आ रही है? अरे अच्छी आवाज आ रही। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जन्म राजस्थान के छोटे से गांव टमको जिले में हुआ था। उनके पिता तोलाराम जी और माता बल्लू जी थी। उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में, माता बल्लू जी के साथ में आचार्य श्री कालूगढ़ी के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण की। और आचार्य कालूगणी जी ने आचार्य मुनि उनका नाम चेंज करके मुनि नथवल रखा। मुनि नथवल को उन्होंने आचार्य श्री तुलसी के मुनि तुलसी के पास में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। तो शुरू में उनकी जो कंठस्थ करने की क्षमता थी वो बहुत ही कम थी। तो कभी कभी आचार्य श्री तुलसी कहा करते थे, इयर किया सीख सो ऐसे कि तुम कैसे सीखोगे। तो उनको बचपन में उनको से सीखने की मतलब क्षमता बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मतलब आचार्य श्री कालूवाणी का वात्सल्य और मुनि तुलसी का
जो अथक परिश्रम था उन्होंने बहुत जल्दी धीरे धीरे ग्रहण वाला जो भी अध्ययन बहुत जल्दी सीखना चालू किया और देखते देखते उन्होंने आगमों का संपादन दस्युकालिक सूत्र अध्ययन उत्तराध्याय नंदी तत्वाकटा बहुत जल्दी सीख लिया और इसीलिए उन्होंने आचार्य श्री तुलसी ने उनको अज्ञ से प्रज्ञ की उनकी उनको प्रज्ञ मतलब महाप्रज्ञ की उनको उपाधि दी और महाप्रज्ञ से वो युवाचार्य महाप्रज्ञ और युवाचार्य से आचार्य महाप्रज्ञ बने। इस प्रकार मतलब कुछ लोग उनको जैन आगमों का कोलंबस और आधुनिक विवेकानंद भी कहते हैं। उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही विराट व्यक्तित्व था। वो अध्यात्म योगी थे, अत्यंत ज्ञानी थे, प्रखर प्रवचनकार थे, लेखक थे और आध्यात्मिक दार्शनिक थे। इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जो प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान जैसे महान अवदान उन्होंने मानव समाज को दिया और राष्ट्रपति अब्दुल जे कलाम के साथ उन्होंने द फैमिली एंड द नेशन पर भी बुक लिखी। और इस प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जो महान अवदान है प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, यदि मानव समाज उनको अपने जीवन में लगातार मतलब काम में ले प्रयोग करे तो वह कई भी समस्याओं से वह समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो इसी भावना के साथ ओम अरम ओम अरम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छा बताया अशोक जी। महात्मा महाप्रज्ञ को नमन। आज आचार्य महाप्रज्ञ के 15वें निर्वाण महाप्रयाण दिवस पर अपने महाप्रज्ञ प्रबोध के कुछ पद्यों का संगान करता हूँ जो इनके अवदान थे। तुलसी पट धारी प्रज्ञा पुरुष महा अवतारी, मणिधारी माँ बालू रो नंदन जन मन हारी, अर्पित चरणा में आस्था रो उपहार हो, भक्ति रस है अविकार हो, जुड़ियो सांसारो तार हो, प्रज्ञा पुरुष महा अवतारी। जब उनकी माता बीमार थी तब उनके लिए गीतिका बनाई थी, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न ओ मंत्र सहज साताकारी, देव दिरायो हस्तालंबन गीत सुनायो सुखकारी, ओ सुजना सांस सांस में मानो आत्मारी गुंजार हो, प्रज्ञा पुरुष महा अवतारी। अभी प्रेक्षा ध्यान के बारे में उनके विचार जानते हैं। जैन धर्म में ध्यान योगरी परंपरा क्यों लुप्त हुई, जागे जीण सु आत्मबोध बासक आज क्यों सुप्त हुई, ओ सुजना करणो है जैन योग रो पुनरुद्धार हो, प्रज्ञा पुरुष महा अवतारी। पढ़िया योग रा ग्रंथ पुराणा पहली खुद पर करियो प्रयोग, प्रेक्षा अनुप्रेक्षा ले सा चिंत चैतन्य केंद्रो शुभ संयोग, ओ सुजना प्रेक्षा पद्धति रो कीनो आविष्कार हो, प्रज्ञा पुरुष महा अवतारी। दीर्घ साधना रे अनुभवरी निष्पत्ति है प्रेक्षा ध्यान, आदि व्याधि रे जड़ उपाधि है सफल चिकित्सा रो वरदान, हो सुजना अनुपम आधार बण्यो आगम आयार हो, प्रज्ञा पुरुष महा अवतारी। ऐसे कई अवदान उनके थे, उसमें सबसे बड़ा अवदान प्रेक्षा ध्यान जो अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत उपयोगी रहे। बहुत सुंदर अशोक जी, एकदम डिफरेंट टाइप से जो आज मेरे मन में था कि गीतिका से शुरुआत होनी चाहिए। महाप्रज्ञ जी की गीतिका तो मुझे याद नहीं आई तो मैंने तो बस ऐसे ही कर दूसरा गीत गा के, आपने एकदम परफेक्ट टू द पॉइंट किया। और कोमल जैन जुड़ रही है, कोमल जैन सूरत से है और वो हमेशा जुड़ती रहती है। मैं तो चाहूंगी कि एक दिन एक वो क्लास भी ले
क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट है और मुझे आगे आना है, हमेशा मिलते हैं तब हम प्रोग्राम करते हैं, तो जयंती जी की बहुत मन रहता है, कोमल जी का बहुत मन रहता है कि मुझे भी जुटना है आपसे, मुझे भी काम करना है। तो कोमल, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, आपने देखा हमारी सुचिता जी कहाँ से कहाँ पहुंची है, जैसे मधु जी अभी बताया था चंदू जी ने कि बचपन में महाप्रज्ञा जी के पास कोई पढ़ाई का इंटरेस्ट भी नहीं था, और वो इतने ऐसे उनकी एक एक बातें पढ़ोगे तो ऐसा लगता है ये आदमी इतना बड़ा महान बना। उनका हैंडराइटिंग भी अच्छा नहीं था, उनकी चाल भी सही नहीं थी, मतलब हर चीज को गुरु को उनको समझाना पड़ता था कि क्या कर रहे हो तुम। इतने हंसते थे कि उसके लिए उनको पनिशमेंट भी करनी पड़नी थी, हंसना मतलब उनके बचपन के, और बाद में कितना आदमी बदल सकता है। वैसे सुचिता जी हमारी कुछ भी नहीं जानती थी और आज एकदम कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करवा देती है हमारा सब क्लास। हम आनंद भाई जी, मैं नहीं हो कोई नहीं हो तो भी क्लास मस्त चलाएगी और बहुत सुंदर आसन भी करती है। वैसे कोमल, एक दिन आपको क्लास लेनी है, इसी भाव के साथ आप अपने विचार प्रकट कर सकते। सादर जय जिनेन्द्र। आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है, वाह, अहिंसा बहुत बढ़िया। धर्म है। इन शब्दों में अपना परिचय देने वाले विश्व के महान संत का नाम है आचार्य महाप्रज्ञ। ये हमारे 13 पंथ के दशम आचार्य थे, विश्व गुरु थे। इनकी उदारता और समन्वय दृष्टि ने इन्हें विश्व गुरु बना दिया। बचपन से ही इनमें इतने धार्मिक संस्कार थे कि एक बार एक सन्यासी ने उन्हें देख के भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन योगी राज बनेगा, पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का संदेश देगा और विद्वानों की प्रथम पंक्ति में अपना स्थान पाएगा। इन्होंने लाखों लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। इन्हें 30,000 से भी ज्यादा श्लोक याद थे। प्राकृत, संस्कृत व दर्शन इनके मुख्य विषय थे। इन्होंने कार्ल मार्क्स, लुई लेलिन को भी पढ़ा और बहुआयामी साहित्य का अध्ययन किया। वैदिक, बौद्धिक, न्याय, ज्योतिष, योग, आयुर्वेद के ग्रंथों को इन्होंने पढ़ा और जैन दर्शन के गंभीर ग्रंथों का अध्ययन, बहुआयामी साहित्यों का अध्ययन किया। आचार्य तुलसी की आंखें नए नए सपने देखती थी और महाप्रज्ञ उनमें रंग भरते थे। जैन ध्यान पद्धति को इन्होंने वापस पुनर्जीवित किया, जिसका नाम है प्रेक्षा ध्यान, स्वयं के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार। उन्होंने जैन ध्यान योग का कोलंबस भी कहा जाता है। प्रेक्षा ध्यान से शारीरिक, मानसिक व भावात्मक लोगों के जीवन में बदलाव आया। 1977 में उन्होंने पहला ध्यान शिविर लगाया। देश विदेश के लोगों ने इसे प्रभावित हुए से और ये लोकप्रिय ध्यान पद्धति के रूप में प्रसिद्ध हुई। इन्होंने कई पद यात्राएं की, राजस्थान से बंगाल, पंजाब से कन्याकुमारी, 60,000 से किलोमीटर से भी ज्यादा इन्होंने पद यात्रा की, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्ण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे राजनीति के शिखर पुरुषों से भी इन्होंने मुलाकात की। वहीं मजदूर, किसान व गरीबों के भी उतने ही करीब थे। इन्होंने गद्य, पद्य, निबंध तीनों विधाओं में प्रचुरता से लिखा। महान प्रवचनकार के साथ साथ ये सरल, रोचक व जीवन को बदल देने वाले साहित्यों की रचना भी इन्होंने की है। महाप्रज्ञ ने अपने 90वें दशक में अहिंसा यात्रा शुरू की, जो इन्होंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में इन्होंने अध्यात्म की गंगा बहाई। वाह, महात्मा, युग पुरुष, इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, मदर टेरेसा, धर्म चक्रवर्ती, विश्व शांति दूत अलंकरण से भी इन्हें नवाजा गया। 9 मई 2010 का वक्त मानो थम सा गया। इस दुनिया को आध्यात्म से सींचने वाले प्रेक्षा ध्यान की संजीवनी बूटी से विश्व को नव जीवन देने वाले आचार्य महाप्रज्ञ का महाप्रायण हो गया और ये प्रज्ञा का महाशूर्य
अनंत में विलीन हो गया। वाह, बहुत अच्छा, कोमल ने बहुत अच्छा बोला। एक बार वाह 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 वाह, कोमल पहली बार आप बोली, बहुत सुंदर और टू दी पॉइंट, और बहुत अच्छे पॉइंट कवर कर लिए। अभी बोलने वाले में अगले हैंड हैंड राइज हो रहे, उसके पूर्व मैं आपको एक मिनट का एक प्यारा पढ़ा के दिखाऊंगी, एक ही मिनट का। और 1 मिनट में कितने किताबों के नाम आए हैं वो कौन पहचानता है, वो मुझे देखना है। 1 मिनट में कितने किताबों के नाम आए, केवल 1 मिनट का प्यारा है, ध्यान से सुनना है सबको, और नोट करना है तो नोट करना, और बताना कि इसमें कितने किताबों के नाम है, तो पता चलेगा कि महाप्रज्ञ जी की किताबों के नाम आपको कितने पता है। तो चलिए मैं शुरुआत करती, शायद वो 1 मिनट से भी छोटा ही पैराग्राफ पढ़ूंगी मैं, क्योंकि मुझे आया कि भाई सब लोगों को हम सुने, परंतु ये भी बहुत जरूरी है कि उनकी किताबों का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और उसके बारे में चर्चा हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी वर्ष है, हमें संकल्प करना है, मैं कुछ होना चाहता हूँ, मैं कुछ होना चाहता हूँ। प्रश्न है भविष्य का निर्माण करना, प्रश्न है भविष्य का निर्माण करना, तो उत्तरदायी कौन? तो उत्तरदायी कौन? हर एक का अपना अनुभव उत्पल होता है, अपना अनुभव का उत्पल होता है, इसीलिए अस्तित्व की तलाश करनी है, समय के हस्ताक्षर पहचानना है, शुरुआत करने के लिए जीवन की पोथी पढ़नी है, आगे बढ़ना है। अपना दर्पण अपना बिंब, अपना दर्पण अपना बिंब होता है, स्वस्थ तन के बाद ही आत्मा का कल्याण होता है, विकास के शिखर छू सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते पता चलता है तुम स्वस्थ रह सकते हो, मन का कायाकल्प होगा, सोया मन जग जाएगा, इसीलिए तुम्हें जानना होगा। पहला सुख निरोगी काया, चांदनी भीतर की होती है, स्वस्थ रहने के लिए आमंत्रण आरोग्य को देना है। मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता, यह समझकर भीतर की ओर जाकर संकल्प करना है, अपने घर में आना है। बस 1 मिनट का मैंने पढ़ा है, तो कौन चार्ट में लिख सकते हो कि कितनी बुक इसमें आई होगी, कितने बुक के नाम इसमें है? चलिए, और जो बता, जिसके ज्यादा आएंगे वो बता सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। मधु जी ने लिखा है 16। 16 किसने लिखा है? मधु जी, मधु जी, ओ वाह, क्या बात है। हाँ, मधु अतीता जी जी बोल रही लिखा, है 19, चंदू जी कह रही है 15, क्या कोमल जी बात है, 16 से 17। वेरी गुड बबीता, 19, जयंती सिंह 19, वाह। चलिए, समय वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। 19 किताबों के नाम पहले मुझे चाहिए, तो मैं चाहूंगी कि कितने लोगों ने 19 बताया है? आनंद भाई जी, काफी काफी लोगों ने बताया। लोगों ने बताया 19, अच्छा क्या बात है, 19 काफी लोगों ने बताया, मुझे भी 19 किताबें नहीं मिली, आपको 19 मिली तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। चलो तो कौन बता सकता है कि मैं नाम के साथ बता सकती हूँ? आंकड़ा बताने से मतलब नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने बताया है तो। नाम पूरे नहीं आएंगे, थोड़ा सा एक हाँ हाँ एक चलेगा चलेगा, चलिए सुचिता जी वर्ड। बताइए। हाँ हमें संकल्प के साथ जो था वो है, ठीक नहीं, संकल्प साथ नहीं है, चलो वो नहीं है, चलिए हाँ ठीक है, मैं कुछ होना चाहता यस हूँ। यस, नंबर 1, चलो आगे। प्रश्न का भाविज का वो एक है, उत्तरदायी कौन, अनुभव पता, गुड, अस्थि की ताकत, समय के हस्ताक्षर, वेरी गुड, अपना दर्पण, स्वस्थ तन के विकास का शिखर, स्वस्थ हो वो एक है, सोया ठीक मन है, जाता, यही तक ठीक है, निरोगी यही ठीक काया। ठीक है, यस ठीक है। अनिल जी बेंगानी, अनिल जी बेंगानी आगे का बताइए कुछ। उसके बाद कविता जी ने हैंडराइज किया हुआ है, कविता यस, जी। कविता बात करेगी उसके बाद। अभी अनिल जी, अनिल जी आप किताबों के बारे में बताओगे क्या? नहीं तो मैं एंड करके फिर स्टार्ट करवा देती हूँ। आप किताबों के बारे में
बोलने वाले हो कि खुद महाप्रज्ञ के बारे में? अनिल भैया प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 15वें महापरिणाम जो एक ठीक है, गीतिकार। एक मिनट रुक जाइए, फिर आप, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो इसमें केवल मुझे लगता है 16 किताबों के नाम है, तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, 19 किताबों के नाम नहीं है इसमें, 16 किताबों के नाम है। पहला है मैं कुछ होना चाहता हूँ, दूसरा है उत्तरदायी कौन, तीसरा अनुभव का उत्पल, चौथा अस्तित्व की तलाश, पांच समय के हस्ताक्षर, छह जीवन की पोथी, सात अपना दर्पण अपना बिंब, आठ तुम स्वस्थ रह सकते हो, नौ मन का कायाकल्प होगा, 10 सोया मन जग जाएगा, 11 पहला सुख निरोगी काया, 12 चांदनी भीतर की, 13 आमंत्रण आरोग्य को देना होगा, मैं हूं मेरे भाग्य का निर्माता, 14 भीतर की ओर, 15 और अपने घर में आना है, लास्ट 16। तो देखिए, 1 मिनट के एक छोटा आधा पेज में मैंने 19 16 किताबें कवर की है, तो पूरी किताब मैं आपको भेजूंगी, आप बहुत एंजॉय करोगे, इसमें बहुत नॉलेज भी मिलेगा, बहुत सारा संदेश भी मिलेगा। इसके साथ पहले एक बार अनिल जी ने शुरुआत की, तो अनिल जी बोले, उसके बाद कविता जी बांट दिया। यस अनिल, प्रज्ञा पुरुष आचार्य श्री महाश्रवण जी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 15वें महापरिणाम दिवस पर मैं एक गीतिका के द्वारा उनको भावांजलि देना चाहता हूँ। करते वंदन हम अभिवंदन बालू सुत महाप्रज्ञ भाव से वंदना है भक्ति से अर्चना है। लाखों की पाई तुमने एक पलक में श्रद्धा भावना ऐसी अनोखी विभुता अमर रहे सबकी कामना। भाग्य सराए नहीं भुलाए तुलसी का उपकार भाव से वंदना है भक्ति से अर्चना है। तुमने जगाई गण में आत्मा के दर्शन की नवचेतना। प्रेक्षा की साधना से करनी है अपने मन की एसना। महासमंदर जैसे अंदर कितने गहन विचार भाव से वंदना है भक्ति से अर्चना है। श्रद्धा से एमपी के आज उतारे तेरी आरती, चारों दिशाएं धरती आशा से तुमको सदा निहारती। भारत सारा करे उजारा पा तुमसे संस्कार भाव से वंदना है भक्ति से अर्चना है। करते वंदन हम अभिनंदन बालू सुत महाप्रज्ञ भाव से वंदना है भक्ति से अर्चना है भाव से वंदना है भक्ति से अर्चना है। ओम अरहम। ओम, बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर। हाँ कविता जी। जय जी नरेंद्र। आज महाप्रज्ञ जी का 15वां महाप्रयाण दिवस है, और मैंने शताब्दी वर्ष पे एक उनका पोर्ट्रेट बनाया था, और जैसे मैंने आपका कार्यक्रम देखा तो मैंने उसे निकालने की कोशिश की, ये मैंने इनका पोर्ट्रेट बनाया था शताब्दी वर्ष पर। बहुत अच्छा, सब एक बार तालियां बजाइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस, बहुत सुंदर पिक्चर बनाया है। कविता जी आपका ड्राइंग इसका मतलब बहुत अच्छा है, वाओ। आप कुछ बोलना चाहोगी कविता? मैं ये बोलना चाहूंगी, आपने किताब का लिया था नाम मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि हम जो बाहर खोजते हैं, जैसे मुझे कुछ टैलेंट लेना है या कुछ भी लेना है, कोई एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए हमको पहले बाहर की तरफ नहीं खोज करके अंदर अपने देखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा संसार है और हम चाहें तो अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। और मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, जो भी काम करती हूँ, पहले महाप्रज्ञ जी को मैं एक अपना जैसे वंदन करना चाहूंगी। और मैं पहले 8 साल 10 साल तक मैंने नीवी जो 3 जाती थी, सॉरी 11 साती थी,
उस पर निवी भी किया। अभी थोड़ा मेरा वर्षितप चल रहा है तो मैंने अभी थोड़ा ब्रेक दिया हुआ है, तो मुझे आज जैसे ही पता चला कि आज मेरा पढ़ना था तो मेरी तैयारी नहीं थी, लेकिन मैंने पोर्ट्रेट दिखाने का मेरा मन हुआ और आपने मुझे समय दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। बहुत सुंदर पोस्टर, बहुत सुंदर पोस्टर है आपका। सब एक बार उनके लिए ओम अरहम करे, ओम अरहम, ओम अरहम। देखा जयंती जी, हमारे क्लास में कितने कितने टैलेंट भरे पड़े हुए हैं कि वो एक ही क्लास ले सकते पूरे के पूरे। अशोक जी जैन ने लिखा है कि जीवा जीव, भिक्षु विचार दर्शन, आहार साधना और स्वास्थ्य, महाप्रज्ञ जी की इन बुक से मेरे भाव और मेरी विचारधारा बदल गई है। इस प्रकार बदलती है आदमियों की विचारधारा एक एक किताबों से। तो एक व्यक्ति को अगर बोलेंगे कि एक किताब पर बोलना है, तो ये साल भर, अगले अगले साल तक आनंद भाई जी, ये प्रोग्राम उनके जन्म तिथि तक चले चलता रहेगा। हर व्यक्ति जिस पुस्तक से प्रभावित है, वो उस किताब की में उसको क्या मिला वो बताएगा, तो कितनी मजा आएगी। तो एक हम इस तरह एक सीरियल शुरू करने के बारे में भी बिल्कुल सोचेंगे। और मुझे लगता है अब समय कम है, तो आनंद भाई जी भी अपने विचार रखें, क्योंकि वो उन्हीं के कारण तो ये महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र शुरू हुआ है। तो महाप्रज्ञ जी के बारे में और उनके कारण किस प्रेरणा से आप कैसे जुड़े आनंद भाई जी, मेन मुख्य वही है। तो मैं उनको भी निवेदन करूंगी कि जितना समय उसमें आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में कहना, जैसा कि आपने बताया, गागर में से सागर में से गागर निकालना बहुत बड़ी बात होती है। उनके बारे में कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में नहीं कहा जा सकता। मैं तो एक ही बात सबसे कहना चाहूंगा कि उनके बारे में हम गीति का गाते हैं, उनके बारे में भाषण करते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या हम उनके अवदानों को अपनाते हैं? ये बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन में अगर हमने उनके अवदानों को अपनाया नहीं, उनके बताए अनुसार हमने अगर अपना जीवन जिया नहीं, तो केवल उनके भाषण करने से या उनके बारे में कविता करने से, उनको भावांजलि देना मेरे ख्याल से इतना उपयोगी नहीं होता है। जब तो इसीलिए हमारे साथ जितने भी साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, मैं ये सोचता हूं कि सब कम से कम 20 मिनट का ध्यान प्रतिदिन, कम से कम 20 मिनट का ध्यान तो जरूर करें। अगर आपने करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो आज के दिन आपको ये संकल्प लेना है कि हम 20 मिनट का ध्यान सुबह शाम जब भी हमें समय मिलेगा, हम प्रेक्षा ध्यान को अपनाएंगे और जन जन तक प्रेक्षा ध्यान की बात को पहुंचाएंगे। अगर हम ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम सच्ची भावांजलि दे पाएंगे। तो आप आज 20 मिनट का प्रतिदिन ध्यान करने का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप यस यस आप लिखेंगे चैट बॉक्स में। यस यस कर रहे हैं चंदू जी, अशोक जी, सभी यस यस कर रहे हैं। और आनंद भाई जी के साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। अशोक जी दुगर हैंड राइज किया है, तो 1 मिनट के लिए अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बात कर सकते। और उसके बाद में एक आनंद भाई जी के पॉइंट पे एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगी। अशोक जी, आप बात करना चाहोगे? बोलिए। यस अशोक जी। अशोक दुगर, हाँ, यस। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सरदारसर गया था महाप्राण जी से, मैं तो हो रहा था उस समय, वहाँ अनाउंसमेंट हुई थी। एक तो एक अपनी चीज छोड़ने के लिए कोई भी जो लेते हैं, तो मैंने उस समय चाय छोड़ी थी, आज 15 साल हो गए मैं चाय नहीं पीता। और दूसरा वाओ, दैट्स अनाउंसमेंट ग्रेट। हुआ था कि प्रतिक्रमण अपने को डेली करना चाहिए। तो प्रतिक्रमण मैं डेली करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अभी तक कर रहा हूँ वैसे, तो इसमें काफी चेंजिंग आते हैं। तो अपने को इनकी श्रद्धांजलि के अंदर में, भावांजलि में, अपने को कुछ ना कुछ जो चीजें छोड़नी चाहिए आज से, तो आगे 10 साल बाद में भी सही के लिए फायदा बात रहेगा। है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हम छोड़ सकते हैं, पर एक पॉइंट में आनंद भाई जी के साथ ये ऐड करना चाहूंगी कि अभी हमारे गुरु का जो सपना है, महाश्रमण जी और कुमार श्रमण जी जो सपना देख रहे हैं कि घर घर एक एक व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान का ऐप डाउनलोड करे, ऐप डाउनलोड करना अभी हमारा एक मकसद बनना चाहिए। और आज संकल्प करना चाहिए कि जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो आज करेंगे ही करेंगे, और मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे यानी हमारे आनंद भाई जी के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। और दूसरा,
हर व्यक्ति संकल्प करे कि मैं कम से कम 15वां ये पुण्यतिथि है तो 15 लोगों को मैं जोड़ने की संकल्पना करती हूँ। अगर आप लोग ऐसे करेंगे और 15 लोगों को जोड़ के, मतलब ऐप डाउनलोड करके 15 लोगों के नाम अगर फोन नंबर आप दोगे, तो मुझे लगता है सच्चे अर्थ से हम दिल से इतने दिन प्रेक्षा ध्यान से महाप्रज्ञ से ले रहे हैं, प्रेक्षा केंद्र आनंद भाई जी के थ्रू, तो आप कुछ दे रहे हैं उनके लिए, कुछ कर रहे हो, तो ये मेरी नम्र निवेदन है कि क्योंकि केंद्र से भी मुझे आया है, आप कुछ काम करो ना करो, ऐप डाउनलोड करवाओ सबसे, ऐप डाउनलोड करवाओ तो जल्दी सबसे। हो गया। चलिए ओम आरम। मधु जी और कुछ नई बात बतानी है आपको या कहना है? कांता जी ने एंड्राइज किया हुआ है, पहले नए जो हमारे वक्ता है उनको ले लेते हैं पहले। कांता जी, यस यस। कांता। नहीं जय जी नंद आंटी, वो ऐप का क्या नाम है? हाँ प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप है, वापस आज आनंद भाई जी भेज देंगे आपको, सबको सारे ग्रुप में आज जाएगी, और यही सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी कि आपको डाउनलोड करना है, परिवार फ्रेंड सबको, 15 लोग तो अपने ग्रुप में होते ही है, सबको डाउनलोड करवाना है, 15 लोगों को डाउनलोड करके हमें आनंद भाई जी के थ्रू ये सारा हमारा रिपोर्ट केंद्र में जाएगा। मैंने बोला है कि मैं लिस्ट बना के भेजूंगी कि आज मैं कितने लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। समय समापन। संतुलन हो रहा है। देखिए आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में अगर हम कंटिन्यू करते जाए और सभी भाई जितने भी भाई बहन जुड़ना सब अगर बोले तो एक कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा, लेकिन हमारे समय की सीमा है तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 7:30 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यस समापन की एक ओर लास्ट दौड़। विचार बता देती हूँ महाप्रज्ञ का, भाग्य बदलना है आप सबको, अपना अपना भाग्य बदलना है ना, तो महाप्रज्ञ जी का एक विचार, प्रबल पुरुषार्थ अगर है, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और साथ में है संयम, तो आप अपना बदल सकते हो भाग्य, आप अपना बदल सकते हो भाग्य। परिवार की शांति के लिए मन वाणी शरीर सबका संयम होना चाहिए, संयम की साधना नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा, और इसीलिए अहिंसा का प्रयोग करना है सबसे बड़ा, एक कीड़ी ना मरे इसलिए हम ध्यान देते हैं, पर तीक्ष्ण शब्द का वार दूसरों पर कर देते हैं, ये बड़ी हिंसा है, तो अपने आप को संयम कर दीजिए तो बहुत शांति आनंद अपने आप को और परिवार को मिलेगी, इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन जुड़े हमारे सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत आभार। मधु जी, आप स्लोगन के साथ समापन करवाइए। मधु जी, जी, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, डोज फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज।